नमस्कार कशिश न्यूज पर 9 ए एम देख रहे हैं आप मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ मॉन्की पॉक्स को लेकर बिहार में अलर्ट जारी किया गया है पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने लोगों के लिए निर्देश जारी किया मॉन्की पॉक्स बीमारी से बचाव के लिए सरकार की ओर से जारी हेल्थ एडवाइजरी का पालन करने का जैसी बीमारी मॉन्की पॉक्स को इंटरनेशनल लेवल पर हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया है और ऐसे में सूत्रों का दावा है कि यह बीमारी उन्नीस अंठानवे में बंदरों में पाई गई थी और अब इस वायरस ने इंसानों में भी अपनी जगह बना ली है हालांकि अच्छी खबर यह है कि भारत में फिलहाल मोंकी पॉक्स का ज्यादा खतरा नहीं है ये बीमारी जानवरों से फैली जिसके बाद अब ये इंसानों तक पहुंच गई है तो मॉकी पॉक्स को लेकर बिहार में भी अलर्ट जारी किया गया है पटना के जिलाधिकारी ने लोगों से हेल्थ एडवाइजरी को पालन करने का आह्वान किया है उन्होंने लोगों से इस बात की अपील की है कि जो भी हेल्थ एडवाइजरी जारी की गई है उसका आप पालन करें तो मॉकी पॉक्स को लेकर यह अलर्ट जारी हुआ है और एयरपोर्ट पर हेल्थ डेस्क स्थापित करने का निर्देश पटना सिविल सर्जन को दिया गया है तो जानवरों के जरिए इंसानों से इंसानों तक यह बीमारी पहुंची है जिसके बाद अब इसे लेकर अलर्ट जारी किया है तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां मॉन्की पॉक्स को लेकर बिहार में अलर्ट जारी हुआ है हाथ पैर मुंह और हिप्स पर छोटे छोटे दाने आ जाएंगे तो ये इसके लक्षण है जो हम आपको बता रहे हैं थकावट महसूस होगी इसके साथ ही आपको बुखार भी होगा तो ये कुछ लक्षण है जो मॉन्की पॉक्स के हैं और इसी मॉन्की पॉक्स को लेकर अलर्ट जारी किया गया है तो जानवरों के जरिए ये बीमारी अब इंसानों तक पहुंच गई है इंसान से इंसान तक ये बीमारी फैलती है जिसे लेकर ये अलर्ट जारी हुआ है संक्रमित मरीज के बिस्तर पर सोने और उस पर बैठने से ये बीमारी आपको फैल सकती है तो ये कुछ बातें हैं, जिसका आपको ख्याल रखना होगा और ज्यादा जानकारी लिए सहयोगी प्रीतम इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रीतम देखिए मॉन्की पॉक्स को लेकर अलर्ट जारी हुआ है खासकर अगर हम पटना की बात करें तो यहाँ जिलाधिकारी ने चंद्र डॉक्टर चंद्रशेखर ने लोगों से इस बात की अपील की है कि जो भी हेल्थ एडवाइजरी जारी की गई है आप उसका पालन करें उसका ख्याल रखें क्योंकि अब ये बीमारी भारत में भी आ गई है और बिहार में इसे लेकर खासकर अलर्ट जारी किया गया है क्या पूरी जानकारी इस मामले में आ, जी रश्मि अब अब ये समय आ गया है कि मंकी पॉक्स को गंभीरता से लेने की जरूरत है और ख़ासकर एयरपोर्ट पर हेल्प हेल्प डेस्क बनाने की बात और बनाने के निर्देश पटना के डीएम ने दिए हैं और सवाल ये होता है कि पटना में पटना एयरपोर्ट पे ही क्यों क्योंकि आ, आपको पता होगा कि पटना एयरपोर्ट से बाहर से लोग पटना आते हैं और पटना से लोग और इसके जरिए बिहार के लोग बाहर जाते हैं तो ये कोशिश की जा रही है कि जो भी लोग आएँ उनमें इस चीज़ को लेकर जागरूकता हो कि आखिर मंकी पॉक्स क्या होता है मंकी पॉक्स के लक्षण क्या होते हैं अगर किसी व्यक्ति को मंकी पॉक्स हो जाए तो उसमें किस तरह के लक्षण दिखते हैं लिहाजा इस बात की जा, जागरूकता ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में जाए लिहाजा हेल्थ गवर्नमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट ने भी अपनी तरफ से एक एडवाइजरी जारी की, की है कि, कि किसी भी तरह से कोई दिक्कत हो तो आप उसकी सूचना दें और अब ये लगता है कि के पक्ष को लेकर सरकार गंभीर है और समय रहते इसको कदम उठाए जाएंगे और आ, आ, अगले कुछ दिनों में कुछ और नई नई दिशा निर्देश जारी किया सकते हैं पट्टा एयरपोर्ट तो है इसके अलावा बिहार में दरभंगा एयरपोर्ट है गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है इन सभी एयरपोर्ट पे दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे हेल्पलाइन हेल्प डेस्क बनाए जाएंगे और साथ ही साथ संभावना है कि वहाँ पे दो चार डॉक्टर्स की एक टीम भी रखी जाएगी जो कि आने वाले जो यात्री होंगे उसकी जांच की जाएगी और खासकर वैसे वैसे लोग जो जिनको गंभीर बीमारी है जैसे जिनको डायबिटीज की बीमारी है जिनको ब्लड प्रेशर है शुगर है, है जिनमें इस चीज़ की आशंका ज्यादा होगी ऐसे लोगों की जाँच की जाएगी ताकि बिल्कुल और ऐसे में लोगों को भी तर्क रहना होगा अलर्ट रहना होगा और जो भी निर्देश जारी किए गए हैं उसका विशेष ख्याल आम लोगों को भी रखना होगा बहुत शुक्रिया प्रीतम आपका तमाम जानकारी के लिए तो ये बड़ी खबर बता रहे हैं आपको बिहार से जहां मॉन्की पॉक्स को लेकर बिहार में अलर्ट जारी किया गया है पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर ने लोगों से अपील की है कि जो भी सरकार की तरफ से हेल्थ एडवाइजरी जारी की गई है आप उसका पालन करें और इसके कुछ लक्षण भी बताए गए हैं बता दें कि डीएम ने एयरपोर्ट पर हेल्प डेस्क स्थापित करने का निर्देश पटना सिविल सर्जन को दिया है थकावट जैसी लक्षण आपको महसूस होगा हर दो से तीन दिन पर आपको बुखार आएगा तो ये कुछ लक्षण हैं जिससे आप ये समझ सकते हैं कि मोंकी पॉक्स से आप ग्रसित हैं जिसके बाद आपको तुरंत तो डॉक्टर के पास जाने की जरूरत होगी तो ने जैसी बीमारी पॉक्स को इंटरनेशनल लेवल पर घोषित किया है और ऐसे में सूत्रों का दावा है कि यह बीमारी उन्नीस में बंदरों में पाई गई थी और अब इस वायरस ने इंसानों में भी अपनी जगह बना ली है हालांकि अच्छी खबर यह है कि भारत में फिलहाल मॉन्की पॉक्स का ज्यादा खतरा नहीं है यह बीमारी जानवरों के जरिए इंसानों में और फिर इंसानों से इंसानों तक पहुंचती है इंसानों में आंख नाक मुंह में छींकने खांसने से पहुंचती है संक्रमित मरीज के बिस्तर पर सोने या ओढ़ने में भी जद में आ सकते हैं वायरस के दो स्ट्रेन हैं पहली कॉन्गो स्ट्रेन और दूसरी पश्चिम अफ्रीकी स्ट्रेन दोनों ही पांच वर्षों से छोटे बच्चों को अपना शिकार बनाती है कॉन्गो स्ट्रेन की मृत्यु दर 10 और पश्चिम अफ्रीकी स्ट्रेन की मृत्यु दर एक है चेचक की वैक्सीन मॉकी पॉक्स पर पचासी प्रतिशत तक कारगर होती है और इसके लक्षण में दो से तीन दिनों तक तेज बुखार आएगा बुखार के दौरान थकावट और अस्वस्थ महसूस होता है हाथ पैर मुंह और हिप्स पर छोटे छाले पड़ जाते हैं और उन छालों के पास खुजली भी होने लगती है इसके साथ ही भूख नहीं लगती चिड़चिड़ापन जैसा लगता है बहरहाल इससे बचाव ही एकमात्र इलाज है और यही वजह है कि हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से भी अलर्ट जारी किया गया है